ब्रज में पहली बार निरंकारी यूथ समागम द्वारा रविवार को हाईवे के नवादा स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर आयोजित किया गया। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी की प्रेरणा से आयोजित यूथ समागम में युवाओं ने गीत भजन कविताएं और लघु नाटक के साथ प्रेरक विचार व्यक्त कर निरंकार प्रभु और सत्संग से जुड़े रहने की सीख दी। आगरा से आए मुख्य वक्ता निरंकारी प्रचारक युवा संत अमन महिंदू ने युवाओं के उत्साह की प्रशंसा करते हुए सत्संग की महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में युवा जहां मोबाइल और फैशन की ओर ज्यादा जाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वहीं समागम में बताया कि कैसे सत्संग द्वारा अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि सत्संग से ही जीवन रूपी नैया को पार कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका और आज आपके संत निरंकारी सत्संग में क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? मेरा नाम किशोर स्वर्ण है और मैं संत निरंकारी मिशन का जो है प्रवक्ता हूँ यहाँ का मथुरा ब्रांच का। और यहाँ पर आज मथुरा के जो संत निरंकारी सत्संग भवन है यहाँ पर सदगुरु माता सुदीक्षा जी की प्रेरणा से युवाओं का एक समागम आयोजन किया गया है और ये समागम पूरे देश भर में हो रहे हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी आज युवाओं को ये सीख देना चाह रहे हैं कि जितना भी हम आधुनिक संसाधन हैं उसमें जो गिरफ्त हो चुके हैं उनसे बाहर निकलकर हमें आध्यात्म का रास्ता भी चुनना होगा, तभी हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। चाहे हम स्कूली शिक्षा को प्राप्त करें या कॉलेजों में पहुँच जाएँ, लेकिन हर जगह पर ये आध्यात्म काम आता है। आध्यात्म से ही प्रेम पनपता है और हम एक दूसरे के करीब आते हैं। इस तरीके से मोबाइल वगैरह में जो गिरफ्त हो चुके हैं उससे बाहर निकलकर सत्संग में लौटाने की ये एक पहल है संत निरंकारी मिशन की। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया है? इसमें लगभग 6 नगर है जो आसपास के पड़ते हैं, जैसे हाथरस है, सादाबाद है, कोसी कला है और आगरा है, उसके आसपास के कुछ और साइट्स हैं, वहाँ से यहाँ पे युवाओं ने भाग लिया है और अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कोई कविता बोल रहा है, कोई गीत है। लगभग कितने लोग हैं जो यहाँ आए हैं? लगभग यहाँ यूँ मान के चलिए 600 के करीब यहाँ पे युवा एकत्रित हुए हैं, जिसमें युवतियाँ भी हैं, युवक भी हैं और बच्चे भी हैं, उन्होंने यहाँ पर भाग